जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आवेंडर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि आप हाइट योगासन से कैसे बढ़ा सकते हैं, एक योग के द्वारा भी आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो है माउंटेन पोज होता है, यानी कि ताड़ासन होता है, जो ताड़ासन का जो अभ्यास बच्चों को क्या करवाना चाहिए। यह आसन हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करता है और सिर से पैर तक जो खिंचाव देने की वजह से नसों और शरीर से जुड़ी कई बीमारियों को भी छुटकारा दिलाता है। सेकेंडली बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज जो होता है, भुजंगासन से जो है रीढ़ की हड्डी लचीली और पीठ मजबूत होती है। यह डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है मजबूत बनाता है और जो है ये क्या करता है, एक इस आसन को जो है रेगुलर जो है एक्सरसाइज से जो है बॉडी क्या होती है, सुडौल होती है और हाइट का जो अच्छा विकास होता है उसमें, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करूँ तो वो है पश्चिमोत्तानासन, जिसको बोलते हैं सीटेड फॉरवर्ड बैंड, यानी कि यह क्या होता है, पश्चिमो जो तानासन को करने से क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी में जो है खिंचाव पैदा होता है और इससे क्या है, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लचीली हो जाती है और इस आसन को है नियमित करने से क्या है, कद में जो है बहुत ही जल्दी इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। चौथा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वृक्षासन जो होता है यानी कि ट्री पोज होता है, वृक्षासन के दौरान आपको अपने दिमाग जो होता है, अपना शरीर को जो है स्ट्रेचिंग के द्वारा स्टेबल करना होता है और जो ये आसान जो हड्डियाँ और उसके जो जोड़ों को जो है मजबूत बनाता है। ये हिप्स और जो है चेस्ट को फैलाने में भी सहायक है। ये कंधों के मूवमेंट को वो क्या करता है, फ्री करता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट जो बता दूँ मैं, लास्ट जो है पांचवा है त्रिकोणासन जो है, जिसको ट्रायंगल पोज भी कहते हैं, यानी कि बराबर त्रिकोणासन करने से क्या है, अपनी जांघें होती हैं, घुटने होते हैं, टखने होते हैं, मजबूत होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है, कंधे, घुटने, हिप्स, पिंडलियों, हैमस्ट्रिक और उसके बाद टखने, ग्रोइन होते हैं, उसके बाद जांग होती है, थोरेस होता है, पसलियों में खिंचाव आता है। जो इस आसन में जो है टांगों में जो है ताकत और मजबूती आती है और जब आप हाथ और पैरों में ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो ये समान रूप से बॉडी का विकास भी करता है। दोस्तों ये तो कुछ योगासन जो मैंने आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी समझा। अगर अच्छा लगा हो तो और भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा हाइट से बढ़ने के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।